मैं कह रहा हूँ आपको तो नोट गिनते गिनते पसीना आ रहा है, पूरे तो है ना? जी हाँ पूरे हैं मुनीम जी। धन्यवाद छोटे सरकार, अब हवेली आपकी हो गई। क्षमा कीजिए श्रीमान जी, अभी तो कागजात हमारे हुए हैं, हाँ कुछ दिनों के बाद हवेली भी हमारी हो जाएगी। अच्छा छोटी सरकार, मैं जा रही हूँ, अदालत में जरूरी कागजात आज ही दाखिल करवाने हैं। मैं भी चलूं छोटे सरकार। छोटे सरकार एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे क्या? छोटे सरकार मैं एक छोटा मोटा सूदखोर साहूकार हूं, सूद लेना मेरा धर्म है। कहते हैं कि सूदखोर अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, वो हवेली कब से मेरे पास गिरवी पड़ी थी। ऐसा नहीं कि इस बीच में मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मैंने बार बार आया हवेली को बेच दूं, मगर चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सका। हवेली बेचने का मतलब था स्वर्गीय ठाकुर साहब के बाल बच्चों का बेघर बार हो जाना। आप कहेंगे मुझ जैसे सूदखोर के पास तो आत्मा नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए, शायद आप ठीक ही सोचते होंगे। अब मालिक आप हैं, जो मैं नहीं कर सका शायद आप कर सकें। अरे रानी बिटिया सुना तुमने, उस सैतान बाप के सैतान बेटे ने क्या किया, ऊंचे से ऊंचा भाव लगा के प्रभु दयाल गुप्ता से हवेली के सारे कागज खरीद लिए और अब उस सैतान मुनीम को अदालत भेजा है ताकि हम लोगों को हवेली से निकाला जा सके। रानी बिटिया तुम चुप रहत हो लेकिन हम चुप नहीं रहबे, हम पंचायत जेबे गांव वालन के इकट्ठा करबे और कहबे भैया हमरे साथ न्याय करो। अरे काका ऐसा कुछ भी करने से अब कोई फायदा नहीं, कानून उनके साथ है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवान तो कर सकत है, भगवान इतना बड़ा अन्याय होत ना ही देख सकत, वो जालिम के जरूर सजा दी है, जरूर सजा दी है बिटिया। भगवान की बात भगवान ही जाने, मुझे तो इतना पता है स्कूल जाने का वक्त हो गया है।